नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। नागपुर अंबाजरी के पांडराबोड़ी इलाके में सास बहू में घरेलू बातों पर विवाद हुआ तो महिला ने सारा गुस्सा अपने 6 माह के मासूम बेटे पर निकाल दिया। बड़ी बहरमी से उसने उसकी पिटाई कर दी। उसके ही किसी रिश्तेदार की बेटी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो शहर पुलिस उपायुक्त अमितेश कुमार के पास भी पहुंचा। उन्होंने पुलिस उपायुक्त विनीता शाहू को कार्रवाई का आदेश दिया। उपायुक्त शाहू के मार्गदर्शन में अंबाजरी के वरिष्ठ थानेदार नरेंद्र हिंगे ने 31 मई को आरोपी महिला के खिलाफ धारा 323 व धारा 75JJ के तहत मामला दर्ज किया है। मासूम बालक और आरोपी महिला की मेडिकल जांच कराई गई। बालक पूरी तरह ठीक है। सूत्रों के अनुसार 21 वर्षीय महिला पांडराबोड़ी में पति, सास और 6 माह के बेटे के साथ रहती है। महिला का पति ऑर्केस्ट्रा में काम करता है। लॉकडाउन के चलते उसका काम काज बंद हो गया। उसकी सास नौकरानी का काम करती है। सास और बहू के बीच 24 मई को शाम 4 बजे किसी बात पर विवाद हुआ तो महिला ने सारा गुस्सा अपने बेटे पर उतार दिया। क्या भाई सा नवरा कुछ काम सद्या नहीं है तो बैंडवाज होने काम करते सद्या कुछ काम नसल्यामुळे तो बेरोजगार है। त्याची आई जी आहे त्याच्यावर घराचा उदरनिर्वाह चालत आहे आणि त्या अनुषंगाने सासूसुने थोडा वाद झाला होता। त्या अनुषंगाने तो सुनेनी आपला तिचा जो राग होता तो त्या मुलावर काढलेला आहे। सध्यापर्यंत आम्ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून काल त्या मुलाला जे काही मदत करायची ती केली आणि आता जे बाल कल्याण अधिकारी आणि चाइल्ड हेल्पलाईन याचे काही कार्यकर्ते बोलवले जे अधिकारी आहे त्यांना बोलवलेलं आहे। एक मीटिंग घेऊन आम्ही पुढची काय उपाययोजना करायची किंवा कुठला काय कायदेशीर बाबी पडताळून पाहतो। लेड काय भोकाचे याच्या घरी त्याच्या घरी नेतो म्हणते लेड काय भोकाचे भाड्याचा बोई।